मैं हर किसी को पटा लेता हूँ, पटाना चाहूँ तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे वो झाड़ू लाओ यार, झाड़ू दो जिस लैट्रिन साफ करते हैं, लाओ। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। थैंक यू फॉर ऑल योर गेट वेल सून विशेस। इसी विशेस के कारण मैंने कर दिए कोविड के टट्टे शॉर्ट, और ये है ऑनेस्टली से। यार सबसे पहले ना, रिव्यू शुरू करने से पहले मुझे एक बात बताओ कि प्लांट पेरेंट क्या होता है। मैं ये इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं अपने बहुत दूर 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 की, बहुत ही दूर की, अच्छा है बहुत दूर की फ्रेंड को मिला, और उससे मैंने पूछा क्या चल रहा है आजकल। तो वो ना बात बात में कह गई, आई एम अ प्लांट पेरेंट नाउ, टू विच मैंने कहा व्हाट पेरेंट। तो ये सुन के मैंने मन ही मन बोला, यार ये वही लोग हैं, अगर मैं इसके प्लांट को देखूं और बोलूं कि यार इट इज अ वेरी नाइस प्लांट, टू विच वो मेरे को बोलेगी इट, हाउ डेयर यू कॉल इट इट, डिड यू जस्ट अज्यूम इट्स अ इट, आई एम सॉरी इट इज नॉट एन इट, इट इज अ ही And his name is Pablo D'Angelo. अगर इसी लॉजिक से सोचा जाए तो दिमाग लड़ाओ, अगर तुम्हारे माँ बाप के पास ढेर सारे प्लांट्स हैं तो वो प्लांट्स नहीं हैं, वो है तुम्हारे सौतेले भाई बहन। तो भैया लास्ट वीक कोविड के साथ उठापटक करने के बाद मेरा चला गया टेस्ट, और सिंस मेरा टेस्ट चला गया था, मैंने एक नाक में हुई हुई फुंसी जैसा शो देख लिया जो बाय गॉड इतना वाहियात था दैट आई वाज सरप्राइज्ड कि नेटफ्लिक्स पे कैसे नहीं आया। कसम मेरे बाइल डक्टों की, ये शो इतना ज्यादा वाहियात और नामुराद है कि इसको देखने के बाद मेरा ऑसिपिटल लोब और मेरा थैलमस दोनों ने हाथ खड़े कर दिया, बोला बाय गॉड हम तो चले भैया, और साथ ही साथ मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूट करना बंद कर दिया। Welcome to Phone Swap. It's a super awkward dating show. तो भैया Snapchat के इस नए शो पर आए हैं हमारे देश के सबसे इंटेलिजेंट माइंड्स। ये तो पता ही कहाँ है तुम्हें मेरे बारे में। Extremely hardworking and self-made individuals. Currently, I'm working for my dad's company. Apart from that, I'm just trying to chill, trying to have fun. और कुछ लोग ऐसे जिनको अपने बारे में बहुत ही पेनफुल गलत फहमियां हैं। मैं हर किसी को पटा लेता हूँ। तो भैया स्नैपचैट पे आने वाले खट्टी डकार जैसे इस शो को अगर आपने नहीं देखा है या इसके कॉन्सेप्ट से आप फेमिलियर नहीं हैं, तो मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट से फेमिलियर बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्योंकि इस गधे की गांड को जानना या पहचानना बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा है नहीं। टिकटॉक में रहोगे मतलब। तो भैया रैंडमली मैंने कोई भी एक पहला एपिसोड पिक किया, तो जो पहला एपिसोड मैंने देखा वहां पे मैं रूबरू हुआ सल्तनत टिकटॉक के बादशाह गांडू मिस्टर फैजू से, और जब मैंने देखा कि उनको बोला गया कि आप अपना इंट्रो दीजिए, तो उन्होंने कुछ ये फरमाया। अगर मैं खुद को डिस्क्राइब करूं तो मैं मेरे फैंस के वर्ड कहूंगा, मैं एक मिसाल हूं। मिसाल नहीं है तू फैजू, तू है मिसाइल। मिसाइल है तू, क्रिंज किया जो किसी के फीड पे अगर फट जाए तो रेटिना के साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बहन चो चुंदिया जाए बंदे के। ये तो पता ही कहाँ है तुम्हें मेरे बारे में। बट जोक्स अपार्ट गाइस, इस शो का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है, और वो ये है कि हर कंटेस्टेंट को ये प्रूव करना है कि पढ़ाई लिखाई से और कॉमन सेंस से, जनरल नॉलेज से, कॉमन लॉजिक से सबसे सेफ एंड साउंड डिस्टेंस किसने बना के रखा है। तो वो देखेगी तो उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं। फिर फैजू की जानलेवा इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन होती है इस एपिसोड की मोहतरमा की, एंड माइंड यू गाइस दिस इज 2021, तो बैड एस विमेन के बिना कोई शो बन नहीं सकता। बट फिर स्नैपचैट को रियलाइज हुआ कि यार ये गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोफिजिक्स में होटल मैनेजमेंट पढ़ी हुई जाहिल महिलाएं हमने इकट्ठी कर तो ली, अब इनको बैड एस कैसे लगाएं। और फिर आया उनको एक आइडिया, ए क्रिंज रील मेकर इधर आओ, कल के शो में बैड एस इंडिपेंडेंट और बॉस लेडी लगना है ना, तो सबके सामने साफ साफ झूठ बोल देना मैं अपनी शादी तोड़ के कल रात को ही यहाँ पे फैजू का फोन चेक करने आ गई। बैड एस, आई वाज सपोज्ड टू बी मैरिड बाय नाउ एंड आई कॉल्ड ऑफ माय वेडिंग एक दिन पहले। फिर आता है शो का वो पार्ट जिसको देखने के बाद मैं 101% कन्विंस हो गया कि कुछ लोगों की पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल नहीं बनती। मैं बात कर रहा हूँ फोन स्वॉप करने वाले पार्ट की। इस शो का नाम भी फोन स्वॉप है, पर जब भी इस शो के अंदर हर एपिसोड के अंदर कंटेस्टेंट्स को बोला जाता है कि अब बारी आ गई है फोन स्वॉप की, तो उनके टट्टे शॉर्ट हो जाते हैं और वो कहते हो ये क्या हो गया, इतनी बुरी एक्टिंग करके प्रिटेंड करते हैं वो लोग कि फोन स्वॉप करना पड़ेगा। सच में हमारे फोन स्वॉप होंगे? नहीं, फोन स्वॉप ना हो रहे, यहाँ पे कोरोना के टीके लग रहे हैं, लगवा ले। वेट व्हाट? ओके, माइंड यू ये लड़की ने अभी अभी बोला कि ये शादी छोड़ के इस शो पे आ गई है, बट शी इज नॉट अवेयर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि शो का नाम तो फोन स्वॉप है, तो वहां पे फोन स्वॉप तो होंगे नहीं, तो वो सरप्राइज एक्ट कर रही है। ये देख के मुझे लगा अच्छा है तू शादी से भाग गई, वो लौंडा बच गया बहनचो। ओह माय गॉड। तो भैया फाइनली फोन स्वॉप हो जाते हैं, तो लड़की सबसे पहले जाके देखती है फैजू के इंस्टाग्राम के डीएम में कि इसके दोस्त कौन कौन है, और वहाँ पे पता लगता है उसके ये है दोस्त हनी सिंह। वो अरे हनी बाजी की चैट खोल दी। अब ये देख के मुझे कंप्लीट विश्वास हो गया कि भैया जैसी संगत वैसी रंगत। एक तरफ फैजू ने क्रिंज रीले बना बना के इंस्टाग्राम की फीडों को सुलभ शौचालय बना रखा है, और दूसरे इसके बेस्ट फ्रेंड हनी पाजी ने गण भरे गाने लिखने और बनाने की कसम खा रखी है। अच्छा दोस्ती यारी छोड़ो, फैजू भाई को मैसेज रिक्वेस्ट भी अपने जैसे लोगों से आती है। फैनत BFF, फैनेशियन, फैन लव फैनत, फ्रेंड फॉर एवर, ऑटो गैंग,
जन्नत इज क्वीन, मिस्टर खान इज लव बर्ड्स, हार्ट एंड स्टार, हार्ट हार्ट बेस्ट फ्रेंड्स, और मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, और बाकी इमोजी में कुछ लिखा है। ओह माय गॉड। फिर फैजू लड़की का फोन देखता है, और गाइस एक लड़की के फोन में सबसे एम्बैरेसिंग चीज क्या हो सकती है स्नैपचैट के हिसाब से, वो है लड़की के एक्स का चैट बॉक्स। ठोक के मेरे एक्स का चैट बॉक्स ना खुले, वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो सकता है। कितना एम्बैरेसिंग है। फिर फैजू लड़की के फोन में देखता है कि भैया ये लड़की भी बड़ी सही सही क्रिंज रीले बनाती है, तो उसको लगता है यार ये तो मेरे ही कबीले वाली है, और फट से MLM की दुकान, मल्टी लेवल मार्केटिंग की दुकान खुल जाती है उसकी, और उसे कहता है मेरे साथ कोलैब कर सकती हो तुम, डांस बहुत अच्छा कर रही है, साथ में कोलैब कर सकते हैं। और फैजू की कोलैबोरेशन की बात सुनने के बाद लड़की भी टिपिकल मल्टी लेवल मार्केटिंग जो सेमिनार अटेंड करते हैं उसकी ऑडियंस की तरह एक्ट करती है, जो आते शेयर्ड ऑटो में धक्के खाते हुए सेमिनार अटेंड करने, पर घर जाते हैं ये सोचते हैं कि भैया ने बोला 15 आदमियों का ट्री बना लूंगा तो फरारी ले लूंगा मैं अगले 2 साल में। फिर आती है इस एपिसोड के फैसले की घड़ी, जहां फैजू कहता है कि हां भाई मैं तुम्हें डेट करूंगा, पर लेकिन मैंने तुम्हारे मैसेजेस में पढ़ा है कोई पीयूष कौन है। कुछ नहीं, बस एक थोड़ा सा शौक लगा था मेरे को भैया। लड़की कहती है कि भाई 15 मिलियन फॉलोअर भी है, फैजू के कोलैब भी करने को बोल रहा है, और साथ साथ टिकटॉक सेलिब्रिटी भी है, तो एक काम करती हूँ पीयूष तो मेरा फ्रेंड है, He is my best friend since 10 years. एक काम कर पीयूष, 100 रुपए पकड़, मोमो खा ले यार, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो भैया मुझे पूरे 3.5 मिनट हो चुके थे फैजू की नामुराद चुटिया देख देख के और उसकी नामुराद बातें सुन सुन के, तो मेरे को लगा व्हाट इज द टाइम, इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम। डियर कोरोना हुआ है मुझे, दिमाग ना खराब हुआ मेरा जो मैं तेरे को डियर बोलूंगा फैजू। अरे मियाँ बदतमीजी और जहालत की भी कोई हद होती है, अभी 6 महीने ना हुए तुम्हें ऑल्ट बालाजी को लेटरिन बनाए, और अब स्नैपचैट पर आ गए तुम अपने इमोजी में अंडशंड बातें करने वाले फैंस के साथ। देखो तुम ना ऐसे नहीं मानोगे, अंडी बंडी शंडी ये शो बनाना बंद करो, नहीं तो डंडी, सिंसियरली भग जाओ यहाँ से इंडियन ऑडियंसेस। एक शॉट में फैजू लड़की के हिस्ट्री को चेक कर रहा होता है, टू विच लड़की कहती है गूगल हिस्ट्री देखते हैं। Why the f*** you want that? Because it's called phone swap, you idiot. फिर मैंने एक एपिसोड देखा जहां पर फीमेल कंटेस्टेंट थी द वन एंड ओनली परमानेंट रेजिडेंट ऑफ MTV's रिसाइकल बिन, सपना चौधरी। मेरा नाम सपना है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। अब सपना मैडम ने पेड सीट पर डेंटिस्ट्री में डिग्री तो ले रखी है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इनके पास एक और डिग्री है, वो है लोगों का मत्था खराब कर देने की अपने एटीट्यूड से। सपना लुक्स प्रीटी। आई एम डार्लिंग। फिर अपने इंट्रो में सपना मोहतरमा कहती है कि ये ब्लाइंड डेट वगैरह ना यार मैं पहली बार कर रही हूँ। ये मेरा पहली बार है कि मैं इस तरह का कुछ ब्लाइंड डेटिंग टाइप्स ट्राई करने वाली हूँ। अब ये झूठ सुनने के बाद मैं तुम्हारे को एक बात साफ साफ बता दूं, दैट द ओनली गोल्डन एंड थंब रूल ऑफ सर्वाइविंग अ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स इज टू नेवर बिलीव अ कंटेस्टेंट हू इज फ्रेश आउट ऑफ MTV's स्प्लिट्स विला, वाइल्ड विला एंड रोडीज। और सपना मैडम तीनों से होके आई हैं, आप सोच लो कितना सच बोल रही होंगी। कमी निकाल रहा है। और हाँ IPL के दीवारों, उस्तरा अपर कट विद शान पराशर का नया एपिसोड लाइव हो चुका है, और बहुत ही मजा आया था मुझे पर्सनली ये वाला एपिसोड शूट करते हुए, तो उसका टीजर देखो भाई। इस बंदे ने ना सारा का सारा डेफिनेशन ही बदल दिया ऑलराउंडर का, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। मैं तो कह रहा हूँ क्या पुरुष ही नहीं भैया, मेरा बस चले तो मैं सर जडेजा के लिए एक अलग से एपिसोड बनाऊं पूरा, बट देन अदर प्लेयर्स विल से कि यार शान ने अपने शो में हमारे को मेंशन ही नहीं दिया यार। फिर लड़का सपना से पूछता है तुम्हें कोई लड़का पसंद आया आज तक? या आई यूज्ड टू लाइक दिस गाय। हाँ 3 रोडीज में, 4 स्प्लिट्सविला में और 5 वाइल्डविला में। हाँ तो एक तो पसंद आया है मुझे। या एक तो पसंद है। सपना कहती है कि हाँ मुझे पसंद आया लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी। ये सुनके मैंने बोला राजकुमारी सपना तुमने एक लड़के को उसकी हाइट पे जज कर तो लिया, पर जो तुम्हारी खुद की अंग्रेजी है, ग्रामर है और साथ साथ तुम्हारा बोलने का जो ढंग है वो इतना ज्यादा एसिडिक है कि अगर तुम्हारे को अंग्रेजी में कोई बात करते हो तुम्हारी जबान पे लिटमस पेपर रख देना, लिटमस पेपर टेस्ट कर ले तुम्हारी जबान का, तो लिटमस पेपर जैसे ही टच करेगा वो तड़प के बोलेगा अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा जहर है भाई। फिर आती है इस एपिसोड के लड़के की इंट्रो, जर्नलिस्ट। ये देख के मैंने सोचा कि भाई झूठ तो बोल मत, एट मैक्स सोशल मीडिया मैनेजर है अपने फेसबुक अकाउंट का। फिर आता है इनका फोन स्वैप टाइम और फिर वही कहानी। नो ओ माय गॉड नो दिस इज नॉट हैपनिंग, तू ही मेरा फोन नहीं देख सकते, यू कैन नॉट सी माय फोन। अरे तो फिर क्यों आई हो यहाँ पे गार्लिक नान पे बटर लगाने? सपना लड़के का फोन देख रही होती है और एक फोटो में लड़के ने अपने फोन में लिपस्टिक लगा रखी होती है अपने होठों के ऊपर, टू विच सपना कहती है लिपस्टिक क्यों लगाई है? दैट इज पान, सॉन्ग सही नहीं है इस लड़के के। और फिर 2 मिनट के बाद जब सपना लड़के के साथ बैठी होती है तो कहती है आई एम वेरी ओपन माइंडेड, इफ यू आर गोना बी बाइसेक्सुअल एज वेल इट्स कंप्लीटली फाइन। मैंने कहा सपना यार तुम इतनी डफर क्यों हो, अभी तो तुम 1 मिनट पहले कुछ और बोल रही थी। सॉन्ग सही नहीं है इस लड़के के। सपना के डफर क्रॉनिकल यहीं पे खत्म नहीं होते, वो थोड़ा सा आगे और बढ़ती है शो के अंदर और बोलती है कि मुझे ये लौंडा पसंद नहीं है बिकॉज ये मैनली नहीं है।
मुझे जिस तरह के लड़के पसंद है वो ज्यादा मैनली होते हैं। विनय में मुझे लगता है कि वो भी चीजें मिसिंग है। मैंने कहा यार सपना तू इतनी बड़ी गधी कैसे है। इस शो में वाइल्ड विला का एक और एक्सपर्ट है जिसका नाम है अग्रिया। मैं अग्रिया भाटिया हूँ और डेटिंग शो क्योंकि मैं अबाउट 2 साल से सिंगल हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो ये वही मोहतरमा है जिसको फटी एड़ियां और गंदे पैर के अंगूठे चाटने का फेटिश था। तो भैया फोन स्वॉप में 6 मिनट के 5 से 6 एपिसोड है, मेरे से तो भैया 2 से ऊपर बर्दाश्त नहीं हुए और मैं यही रेकमेंड करूंगा कि तुम उसमें से एक भी मत देखो। इनफैक्ट इस हफ्ते ये 5 रेकमेंडेशंस देखो, यस के, थिंग्स हर्ड एंड सीन, एस्पिरेंट्स, पुटी टैंग एंड द गिफ्ट। तो मेरे जिगर के टुकड़ों ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको अच्छी तरह पता है कि फोन स्वॉप नहीं देखना है बिल्कुल भी, और साथ ही साथ प्लीज घर में बैठिए, मास्क लगाइए, सारी प्रिकॉशंस लीजिए, और अगर किसी को कोई भी मैसेज एम्पलीफाई करना है प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं उसको शेयर करके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ लव यू टाटा बाय बाय। Ha 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 ha!